नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये जो देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है खजूर का गुड़ है। तो ये खजूर का जो गुड़ है, इन खजूर के पेड़ों से, इनके रस से ये खजूर बनता है। तो ये खजूर का गुड़ जो है, ये किस तरह बनता है, इसकी मेकिंग कैसे होती है, इसका क्या प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। तो मेरे वीडियो में आप बने रहिए और चैनल कहीं भी स्किप मत करिएगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम चलते हैं, देखते हैं इस गुड़ की जो मेकिंग है, इसका प्रोसेस। तो दोस्तों, जो खजूर का जो गुड़ है, उसको बनाने की जो प्रोसेस है, वो शुरू होता है इन मिट्टी के बर्तनों से, जिसे यहाँ पर हमारी लोकल भाषा में से हाड़ी भी कहते हैं। ये छोटी छोटी ये कलसियाँ हैं, जिसे खजूर के जो पेड़ हैं उन पर इनको लटकाया जाता है। और तो चलिए हम देखते हैं ये कलसियाँ किस तरह खजूर के पेड़ पर लटकाई जाती हैं, तो प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों देखिए, यहाँ सामन शेख जी, देखिए जो हमारे यहाँ के जो रस को इकट्ठा करने वाले हैं, देखिए किस तरह का उनका ये सिस्टम, आप देख लीजिए। इसको क्या कहते हैं, के की बोले था? खलोई, इसको खलोई बोलते हैं। तो खलोई देखिए, अपने वहाँ पर कमर में उसने बांध लिया है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ रस्सी नीचे में। और इसको क्या बोलते हैं, की बोले था? इसको चाजदा बोलते हैं। ये छोटी सी लंबी धारदार छुरी है, जिससे वो उसको वहाँ छीलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर ऊपर चढ़ते हैं। मैं आपको ये खजूर के पेड़ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर कलसियाँ जो घड़े हैं वो लगा दिए गए हैं। अभी हमारे शेख जी हमारे रेडी हो चुके हैं, और उन्होंने एक मोटा रस्सा ले लिया है, और देखिए किस तरह से ये ऊपर चढ़ते हैं। तो देखिए ये प्रोसेस, देखिए चढ़ने का, देखिए देखिए एक रस्सी के सहारे अपने आप को उसने ऊपर गाछ पर चढ़ा लिया है। और देखिए आप ऊपर में वो बर्तन जो है, मिट्टी का बर्तन वहां लगा दिया गया है। देखिए इसको यहाँ लटकाने का भी सिस्टम है, उनको हाथ में कैरी नहीं करना पड़ता है, कमर में उनकी एक हुक है, इसमें उसने उस घड़े को लटका दिया। और ये देखिए उनकी छुरी से वो किस तरह से ये धार कर रहे हैं, उसको वहां पर छीलने का प्रोसेस हो रहा। देखिए वहां पर वो ग्रूव बना रहे हैं, ताकि जो रस का जो कलेक्शन है वो उन्हीं ग्रूव के जरिए, उस छोटे से लकड़ी का पाइप है उसके जरिए, वो उसमें कॉन्सेंट्रेट होकर उसके जरिए आकर उस मिट्टी के बर्तन में आता है। तो चलिए अब देखिए हमारी ये मिट्टी के जो बर्तन है वो लग रहे हैं, अब वो हुक में वहां उनको लगा दिया गया है। अरे इटा कत समय लगभग 12 घंटा? हाँ, तो दोस्तों ये अब ये लग चुकी है, और अभी बज गए हैं करीब करीब 4 बज गए हैं। तो ये लगभग 12 घंटे यहाँ पर लटका रहेगा, और रात भर इसमें रस जो है इसमें भरता रहेगा, और सुबह मॉर्निंग में 12 घंटे के बाद इसको नीचे उतार लिया जाएगा। और हमारे एक और दोस्त यहाँ पर भी है, इनका भी यहाँ पर यही काम है। देखिए सारे गाछों पर, पेड़ों पर, वहां पर आपके जो बर्तन है उनको लगाना। तो आप अपना नाम रखिए। इस्माइल शेख। और देखिए फिर वहां भी ग्रूमिंग हर साल, ये हर दिन करनी पड़ती है, रोज को तो आए? हाँ, 6 दिन गाछ। अच्छा, तो ये जो ग्रूमिंग काटते हैं वहां पर, ये हर हफ्ते, हर दिन नहीं होती है, ये 5-6 दिन के बाद जब वो सूख जाती है तो वहां पर उसको फिर वो ग्रूव फ्रेश बनाया करता है, ताकि जो रस है सही तरीके से वो मिट्टी के बर्तन में कलेक्ट हो सके।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सारे खजूर के पेड़ों पर देखिए ये सब मट्टी के कलसी जो है लग चुकी हैं। तो चलिए हम चलते हैं एक पर्टिकुलर पेड़ पर, देखिए वो काफ़ी छोटा है। तो दोस्तों ये पेड़ देखिए हार्डली मैं उसको छू सकता हूँ, ये हाथ भी वहाँ मेरा पहुँच सकता है। यहाँ देखिए तो ये देखिए आपको ये ड्रिपिंग करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये किस तरह से ये रस जो है ये अंदर में भर रही है, ये बूंद बूंद करके ये पूरा ये कलसी भर जाएगी। और इसी तरह से ये देखिए ग्रूव के जरिए ये सारा इस पेड़ के अंदर से रस आ रहा है। तो शायद मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ इसमें भरा है क्या, कुछ हुए चाहिए देखिए अटू कत हुए चाहिए। ये देखिए आपको शायद अगर नजर आ रहा है थोड़ा बहुत इसमें, तो आपको यह देखिए रस इसमें भर चुका है कुछ। तो देखिए इस तरह से ये देखिए तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए भर चुका है थोड़ा बहुत उसमें आ चुका है। तो ये लगभग 12 घंटे इसी तरह से भरता रहेगा। ये देखिए तो चलिए हमारा जो रस का जो उतारने की जो प्रोसेस है वो देखिए, सुबह सुबह ये गाछ पे चढ़ रहे हैं, आज तो बिना रस्सी के ही चढ़ रही है। और ये देखिए इस बर्तन में कितना रस भरा है, रस है तो इसमें रस ज्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा सा हुआ ना। तो देखिए इसमें रस एकदम नाम मात्र का ही हुआ है। तो चलिए हम एक और क्वालिटी में देखिए यहाँ पर ये रस है जो भी है उसे यहाँ पर एकत्रित किया जा रहा है। दोपहर में उतरेगा, इसको फिर लगा दिया गया और फिर ये दोपहर में जितने भी रस होगा इसको उतारा जाएगा। तो देखिए ये रस जो है देखिए धीरे धीरे इसमें फर्मेंटेशन रात में हो चुका था, ये देखिए इस कलसी में भी दिखा रहे और बहुत सारे यहाँ पर रखे हुए हैं जो यहाँ पर ला कर रखे हुए हैं। और देखिए इनपे जो इस आँच पर ये देखिए बर्तन रखे हुए हैं और उसमें धीरे धीरे इसमें उबाल आ रहा है। देखिए इसको छान कर देखिए इसमें डाला गया ताकि इसमें कोई भी प्रकार का जो किसी गंदगी हो वो अंदर रह जाए। तो हमारे गुड़ की जो बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो चलिए देखिए यहाँ पर इस चूल्हे में जलावन डाल रहे हैं और इसमें जो रस है वो यहाँ पर डाल दिया गया है और धीरे धीरे वो गर्म हो रहा है। आप जो चूल्हा देख रहे हैं ये भी इन लकड़ियों से देखिए इनका जलावन है, ये जो रॉ मटेरियल जो है ये जंगल की सूखी लकड़ियाँ और हम यहाँ देख रहे हैं ये जो पड़े हुए हैं इनका इस्तेमाल इसको जलाने के इसके गर्म करने के प्रोसेस में। तो एक और प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो गुड़ है ये आधा हो चुका है मतलब हाफ हो गया चाहे तो मोटा मोटी ये देखिए ये एक तरफ एक और बर्तन में रखा हुआ था, इसमें भी गुड़ ये ऑलरेडी हाफ हो चुका है, इसमें उबाला है तो ये कॉन्सेंट्रेट धीरे धीरे हो रहा है। तो ये देखिए झाड़ियों और जंगल की लकड़ियों से ही हल्के टहनियों से इनका उपयोग किया जा रहा है।
तो ये मॉर्निंग में देखिए यहाँ पर जो ग्राहक है, ग्राहक भी यहाँ पर सुबह सुबह आकर यहाँ पर जो गुड़ है वो यहाँ से ले जा रहे हैं। तो आपको मैं दिखा धीरे धीरे, अभी सुबह के 6 बजे हैं और जो लोकल जो कस्टमर है वो यहाँ पर आकर इनसे गुड़ ले जाते हैं। तो मैं इनका जो रहने का जो स्ट्रक्चर है, जो रहने का घर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो जंगल के जो वृक्ष के जो पत्ते हैं उनसे बनाया गया उनका ये घर है जिसमें ये रहते हैं। तो देखिए ये अब बन के भी तैयार हो चुका है, तो ये अभी उसको उतार दिया जा रहा है और उसको ठंडा होने के लिए अभी यहाँ पर यहाँ रख देंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पर जो हिलाने का जो प्रोसेस है, देखिए ये एक ये नारियल का है ना, ये नारियल का जो खोपा ऊपर का होता है हार्ड वाला, उससे देखिए ये हिलाया जाता है ताकि उसकी जो विस्कोसिटी है जो उसकी वो उसे पता लगता है। अगर आप ऐसे नॉर्मल चीजें आप हिलाएंगे तो आप इसे शायद नहीं पता लगेगा। तो देखिए ये कॉन्सेंट्रेट हो चुका है और इसको भी ठंडा होने के लिए यहाँ पर रख दिया गया है और पूरे जो वेसल को एक स्लांटिंग पोजिशन में दिया ताकि सारा जो कॉन्सेंट्रेट है इधर में एक तरफ आ चुका है। तो अभी ये फिलहाल हम इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो देखिए एक प्रोसेस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मैंने सोचा था कि ये जो कॉन्सेंट्रेट है ये धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाएगा और गुड़ बन जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये देखिए इसको प्रोसेस को इस तरह से उसको हिलाया जाता है तभी इसको पटाली गुड़ जिसे कहते हैं वो बन के तैयार होता है। तो ये प्रोसेस लगभग आधा घंटा इसी तरह से ये सज्जन घुमाएंगे। चलिए हमारा ये पटाली गुड़ जो है काफी क्वालिटी में हो चुका है धीरे धीरे और इसका देखिए जो कलर है वो भी आ चुका है और ये गुड़ को उस छोटे छोटे जो चुक्के हैं ये मट्टी के चुक्के इनमें डाल के उनका शेप दिया जाएगा। तो वो प्रोसेस हम देखते हैं। तो फिलहाल अभी ये पूरे को यहाँ पर कर लिया जाएगा, इसमें अभी और करीब आधा घंटा समय लगेगा। चलिए अब अगला प्रोसेस में हम देखते हैं ये जो मट्टी के जो चुक्के थे उसके ऊपर में एक गीला कपड़ा डाल दिया गया है और उसको शेप दे दिया गया है और इसमें अब इस जो गुड़ है ये सेमी सॉलिड है तो उसको डाल दिया जाएगा ताकि वो सॉलिडिफाई हो जाए और इन जो मट्टी के जो चुक्के हैं उसमें उनका वो शेप ले लेंगे। अब ये देखिए सेमी सॉलिड जो गुड़ है उसको इस लिक्विड गुड़ में मिला दिया गया है।
अब सारे इन चुक्कों में ये गुड़ भर दिया गया है और हम वेट करते हैं ये थोड़ा ठंडा हो और ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे। तो धीरे धीरे देखिए अब इन साँचों में से ये गुड़ को के ढेले को निकाला जा रहा है और ये एक टिकिया साबुन की टिकिया के जैसे यहाँ बाहर निकल चुके हैं और ये धीरे धीरे और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा हार्ड हो जाएंगे। सब होगा चले कि ना आरो ठंडा हो तो और ये इनको थोड़ा ठंडा होने देते हैं और इसी प्रोसेस से ये सारे निकाल के इस डब्बे कार्टन में रख दिए जाएंगे और ये सेल होने के लिए ये रेडी है।